बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। शोबे शख्सियात के यहाँ बिजली का बिल कितना आया। मुल्क में महंगाई के तूफान और बिजली के शोबा बिलों ने जहाँ एक तरफ गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया, वहीं शोबे शख्सियात भी इस सूरतहाल से परेशान हैं। हाल ही में नादिया खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने शोबे से वाबस्ता अपनी दोस्तों निदा यासर, सादिया इमाम और फजा अली से पूछा कि इनका आखिरी बिल बिजली का कितना आया। सादी इमाम ने बताया कि बिजली महंगी होने के बाद इनका बिल 67,000 आया था, जिसके बाद उन्होंने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवा लिया। सादिया के मुताबिक सोलर सिस्टम लगवाने के बाद इनका बिल अब सिर्फ 19,000 आया है। हालांकि इस दौरान इनकी भांजी की शादी के लिए मेहमानों की आमद की वजह से बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा हुआ। मारूफ मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासर ने बताया कि इनका बिजली का बिल 1,00,000 रुपये आया, हालांकि वो 15 दिन घर में मौजूद ही नहीं थी। नदा यासर ने बताया कि हम सारा दिन एसी नहीं चलाते, सिर्फ पंखा इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को भी एसी चलाने से मना करते हैं, रात में सिर्फ एक एसी चलाकर सब एक कमरे में सोते हैं। नदा यासर ने कहा कि बिजली के महंगे होने बिलों की वजह से हम सोलर लगवाने का सोच रहे हैं, लेकिन वो भी अब बहुत महंगा हो चुका है। अदाकारा फिजा अली ने कहा कि एसी इस्तेमाल न करने और बेशतर वक्त घर से बाहर होने के बावजूद इनका आखिरी बिजली का बिल 67,000 आया है। नादिया हाँ के मुताबिक ने खुद 75,000 का बिल मसूल हुआ। हालांकि वो 3 हफ्ते तो घर पर नहीं थी और काम के सिलसिले में थाईलैंड गई हुई थी और बाद में इस्लामाबाद में अपने वाले से मिलने चली गई। नादिया हाँ ने कहा, मुझे एक खौफ सा है, जब हम 3 हफ्ते घर पर नहीं थे और बिजली का बिल 75,000 आया, इस महीने जब घर पर होंगे तो कितना बिल आएगा। इसी को अब बहुत कंजूसी से इस्तेमाल करना होगा, बच्चों को भी समझाना होगा कि वो बस रात को सोते वक्त ही एसी चलाएं।